काम करने आया, मेरे को बोल रहा नफ्सियाती, बोल बोल नफ्सियाती कौन है, बोल ले मोबाइल कर ले कर ले कर रखो रखो, मैं बता रहा हूँ एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैसल राजा मैजिशियन आपके सामने मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पहले प्रैंक की तरह ये प्रैंक भी जरा हटके होगा और बहुत बढ़िया वाला और बहुत मजे वाला होगा। जैसा कि आपने देखा था कि मेहरान ने सिदरा जब्बार के साथ एक प्रैंक किया था, कोलैब वीडियो की थी, तो हमने भी उनको बुलाया कोलैब के लिए और उनसे कहा कि आप मीटिंग कर ले, फिर इंशाल्लाह कल परसों आपके साथ कोलैब वीडियो बनाएंगे। इत्तेफाक की बात है, हम आज ही उनके साथ प्रैंक कर लेंगे, कल अगर बता के करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और मैं मौजूद हूँ अपने ऑफिस आर ओ प्लांट में, तो आप भी छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो आर ओ प्लांट पर ज़रूर विज़िट कीजिए, मुनाफा बख्श कारोबार। आ जाए, वालेकुम सलाम, बैठे जी ना। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको मैंने लोकेशन भेजी थी, उसके बाद भी आपको एड्रेस समझ नहीं आ रहा? एड्रेस दरअसल मैं आई थी पहले यहाँ, मेहरान ने जब बुलाया था वो, अभी दरअसल मैं भूल गई थी। लोकेशन भेजी नहीं थी मैंने आपको? नहीं नहीं, जब आपने लोकेशन भेजी तभी तो मैं यहाँ पर आई हूँ, इसीलिए मैंने लोकेशन मंगाई थी। उसके बाद भी आप वॉइस मैसेज में यहाँ हूँ मैं वहाँ, जब एक बंदा लोकेशन भेजता है ना, इसका मतलब इस लोकेशन पर जाना होता है। माइंड ना कीजिएगा, मेरी खोपड़ी ऐसी है, थोड़ा मैं इसी तरह बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा। कुछ खाएगी पिएगी आप? नहीं नहीं, कुछ खाएगी। तो आपका चैनल किस नाम से? सिदरा जब्बार। वो नवीद ने विजिट कर लिया था, नवीद ने देख लिया था, किस पर कोई खास काम नहीं है क्यों? अभी दरअसल मैंने स्टार्ट किया है बस, और मुझे कुछ आइडिया भी नहीं यूट्यूब पे मैं क्या वर्क करूँ। मैंने पहले एक कंटेंट सोचा नहीं था, कुछ दो तीन तरह के कंटेंट डाले, फिर लोगों ने मुझे कहा कि आप एक कंटेंट पे वर्क करो, तो फिर मैंने वो डिलीट कर दिया जो पुराना था। अभी समझ में नहीं आ रहा मैं किस पे वर्क करूँ, व्लॉगिंग का दरअसल मेरा। आपने नोट ही कमाने हैं ना, आपकी एजुकेशन कितनी है? इंटर किया तो आप कहीं जॉब कर ले। जॉब क्यों करूँ, वैसे मुझे नोट नहीं किया हमारे, दरअसल यूट्यूब से अच्छी अर्निंग आ जाती है तो मैंने सोचा बस मेरा शौक भी पूरा। कौन बोल रहा है यूट्यूब से अच्छी अर्निंग आ जाती है, हम भी लगे हुए पूरा साल हो गया, हमें तो नहीं मिल रही इतनी अर्निंग, आप बात कर रही है? सीरियसली सही बात बता रहा हूँ ना मैं, कौन कहता है यूट्यूब पे अच्छी अर्निंग आती है, चेक करो इसके अंदर। एक मिनट, नवेद को बुलाऊंगा, उससे पूछना कि कितनी यूट्यूब से अर्निंग आती है, आप बात कर रही है तो आपने हमारे साथ कोलैब करना है। आपने तो कहा था यूट्यूब से अच्छी अर्निंग आती है, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी। वैसे भाई हम तो लोगों को उम्मीद और आसरा देते हैं, जैसे इमरान खान ने सुहाने ख्वाब दिखाए, हम लोगों को ख्वाब दिखा रहे भाई। अलावा भी मुझे आइडिया, मेरे एक फ्रेंड का चैनल है ना, उसकी काफी अच्छी अर्निंग आ रही है, तो उसके साथ कोलैब करें ना, मेरे साथ क्या मिलना, मेरे पास अपने सब्सक्राइबर नहीं है, मैं दूसरों को क्या प्रमोट करूँ। आपके कितने सब्सक्राइबर है? मेरे अभी तो 3.5K है। 3.5K के ऊपर आपको स्पॉन्सर मिल रहे? नहीं, यहाँ पे 70, मैडम एक मिनट बात सुनो, यहाँ पे 75,000 है हमारे, उसके बाद किसी चप्पल बनाने की कंपनी वालों ने स्पॉन्सर नहीं दिया, हम ऐसे ही वेले वेले घूम रहे भाई। एक मेहरबानी आर ओ प्लांट की, जिन्होंने स्पॉन्सर कर दिया हमें। मैं यही बोलने वाली थी कि आर ओ प्लांट ने तो स्पॉन्सर किया है ना आपको, तो आप हंस क्यों रही हो? मैं मजाक कर रहा हूँ इधर, आप मैं जो भी बात कर रहा हूँ आप हंस रही है, मैं जो भी बात कर रहा हूँ आप मेरी फिल्म लेने, आप तफरी लेने आई हो। आप भी तो जो भी बात करें आप गुस्से में करें तो मैं हंसूंगी ना, तो आप किस तरह आप हंस क्यों रही हो मुझ पे? आप काम के लिए आई हो ना अपना, कल कोलैब करना ना, लिंक डालना हमने आपका, हम डाल देंगे, तो आप तो मेरी फिल्म खींच रही हो हंस हंस के, अजीब लड़की हो यार। नियाल नियाल नियाल, खोल दिया भाई, खोल दिया मैंने। अबे भाई मेरा मोबाइल कहाँ है, टीम का मोबाइल रखा हुआ है, मेरा मोबाइल कहाँ रखा हुआ है? यहीं रखा हुआ था, दराज में रखा हुआ। कौन सी दराज में रखा है? नहीं रखा हुआ, ये अलमारी की दराज है, मैं ढूंढता रहूं खोल खोल के, देख रहा हूं मैं इसमें। निकाल के दे मुझे, जल्दी भाई मोबाइल मांग रहा हूं। अबे जब पता है मेरा मोबाइल यहाँ पे पड़ा हुआ होता है तो नीचे रखने की क्या जरूरत? नीचे क्यों रखा है? ये कैमरा किस लिए लगा हुआ है, ये कैमरा किस लिए लगा हुआ है? एक मिनट में इससे बात कर रहा हूँ, अपनी टीम के लड़के से बात कर रहा हूँ, आप अपना काम से काम रखें, आपका काम हो जाएगा, आप चुप करके बैठ गया। तू बता मुझे, जब मैंने बोला है कि इसको सामने रख तो तुझे जरूरत क्या अंदर घुसेड़ने की? गलती से रख दिया सर।
गलती से रख दिया, हर चीज में तुझे गलती, हर चीज में गलती। अबे भाई अपनी खोपड़ी को हाजिर रख ले, मेरी खोपड़ी को ना बजा। तुझे पता ना बाहर इतनी पंचायतें फट करके प्रैंक करके दिमाग घुमा हुआ होता है, दो मिनट एसी में बैठ जाओ तो तुझे ये तकलीफें देना शुरू हो जाती है। सर यही तो पढ़ा हुआ था, यही पढ़ा हुआ था, यही पढ़ा हुआ था, यही पढ़ा हुआ था। बाइक की चाबी कहाँ है? हर चीज जो तेरे दिल करे वो करता रहे, जो चीज। बाइक की चाबी कहाँ है? वो भी यही रखी हुई है, इसको भी रख दो अंदर, कहीं रख दो भाई। सब चीजें इतनी टेंशन दो, इतनी अजियत दो, बंदा पागल हो जाए, यहाँ पे दीवारों में सर मारे या टेबल पे सर मार के अपना सर फाड़ दे, खुश हो जाना तुम। ठीक है सर, यहीं तो रखी हुई है। यहाँ कहाँ रखी हुई है? दराज में से निकालना हूँ, बोलना यहीं रखी हुई है। यार इतना शोर कर रहे हो, नौकर समझा हुआ, नौकरी कर रहा हूँ मैं आपके पास। अबे भाई दो बंदे भाग गए आपके काम छोड़ के, आप नफसियाती पना लगाए। नफसियाती पना किसको क्या मतलब, क्या बात कर रहा है तुझे, काम करना है कि नहीं करना है, क्या मतलब नफसियाती पना? नफसियाती पना किसको बोल रहा है नफसियाती? मेरे को बोलना नफसियाती है? मेरे पास काम करने आया, मेरे को बोलना नफसियाती? बोल बोल नफसियाती कौन है? बोल बोल कौन है, कौन है नफसियाती बोल रहा है? तेरे बाप को खा, दरवाजा खोल, मुझे जाना है, मुझे नहीं करना आपके साथ। आप बेटी, आप बेटी है, मुझे जाना है, आप बेटी है, कुछ नहीं, मुझे आपके साथ काम ही नहीं करना। अरे ये मेरी टीम का बंदा है, मेरे इधर होता रहता, बैठ जाओ इधर, मुझे नहीं करना था। मैं बोल रहा हूँ आप भेज दिया है, देखिए मुझे जाना है मुझे। अबे जब तुझे बोल रहा हूँ प्यार से समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पे भेज जा, नहीं खुलेगा ये दरवाजा, वहां पे बटन जब तक नहीं दबेगा, भेजो इधर। कितनी वीडियो है तुम्हारी, कितनी वीडियो डाली हुई है? मैं पूछ रहा हूँ वीडियो कितनी डाली हुई है? देखिए मैं सर मुझे नहीं करना आपके साथ काम, प्लीज मुझे जाने दीजिए। देखिए वीडियोस कितनी डली हुई आपके पास? वीडियो जितनी भी है मुझे नहीं करना फैसल आपके साथ काम। नहीं नहीं करेंगे काम तो करेंगे, आपको मैं कह रहा हूँ आप इधर आप भेज या कुर्सी से ना खड़ी हो बैठे, मैं बैठ जाऊं? आप बंदा तो देखने बेहोश हुआ है। अरे उसको छोड़ो, मैं इससे पहले दो और मार चुका हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है नफसियाती पन का। आप इधर भेज दिया, वो मरे या चाहिए? आप इधर बैठे बैठे, अरे उसको दफा करो, वो जिए या मरे, तुमने मरना है, इधर बैठो तुम। अच्छा फैसल आप उधर जाएं, आप वहां जाएं पहले, बैठिए बैठिए, आप पहले वहां तो जाएं। मैं आपके लिए चाय मंगाता हूँ। नहीं मुझे चाय नहीं पीनी, मैं चाय मंगाता हूँ, एक मिनट एक मिनट, मैं भी आपके लिए चाय, बिस्किट कौन सा खाती है आप? बिस्किट मंगवा दो, फोन करती हूं, एक मिनट इधर दो फोन, मैं कह रहा हूँ फोन इधर दो, इधर दो, एक मिनट। आप अगर मोबाइल को हाथ लगाए ना, दोनों मोबाइल उठा के, मुझे परेशान नहीं करें, मुझे कॉल करनी है मेहरान को। मेहरान को फोन करना नहीं दूंगा मैं। अच्छा आप वहां जाएं, यहां क्यों आ जाते हैं बार बार? तुम मजबूर कर रही हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ चुप करके मेरी बात सुनो, हमने कल वीडियोस बनानी है ना, उसके हवाले से मीटिंग कर रहे हैं ना, अभी मैं जाऊँ, अभी मुझे जाना है बस। मैं बात कर रहा हूँ, हम कल वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उस हवाले से हम बात करते हैं। बैठे बैठे बैठे, मैं आपके लिए बिस्किट मंगाऊं या चाय मंगाऊं या कोल्ड ड्रिंक पिए? मुझे ना बिस्किट चाहिए ना चाय पीनी है, मुझे मोबाइल दे देंगे आप मेरा? ये देखे ये कांच का है, ये देखे, देखिए वैसे साइको बना। आप रो रही क्यों है? मैं नहीं रो रही, मुझे मेरा मोबाइल चाहिए। दरवाजा खोलने फैसल, देखे हम फिर कभी वीडियो बना लेंगे। अच्छा पता क्या, फिर कभी वीडियो बना लेंगे। देखे आप भाग जाएगी ना तो मतलब पता क्या है, आप अगर भाग जाएगी, देखिए दूर रहे मुझसे, मैं कह रही हूँ दूर रहे। तुम बाहर जाके 10 लोगों को बोलोगी कि मैंने क्या किया, मुझे अब अंदर नहीं जाना, मैं बार बार मार के बंदे अंदर जाता रहूँ क्या? क्या समझ क्या बोले जा रहे, देखे मैं नहीं बताऊंगी किसी को मुझे जाना, मैं देखे देखे ये खुलेगा नहीं, ट्राई कर लो आप दूर, मुझे घर जाना है। अच्छा आप... मैं कॉल कर लूं, मैं नहीं बता रही किसी को फैसल, मुझे घर जाना है। किसको कॉल करनी है? मेरे मोबाइल से करे, मैं अपना मोबाइल दूं? कहां गया मोबाइल? दे चले ये ले, कॉल करें लिए मोबाइल कल रखो रखो, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बाहर जाके आप 10 लोगों को बोलेगी, इसलिए बताने के लिए ना मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें दूर। अबे भाई आराम से, एक मिनट एक मिनट, मैं आपके मजाक कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा नॉर्मल, ये कोई मजाक होता है? आप मुझे कोई बात नहीं करनी किसी से, देखा है मजाक कर रहे हैं, सामने कैमरा लगा हुआ है, वीडियो शूट कर रहे थे। कौन सा मजाक होता है? ये कॉलेब का बोला था ना, कॉलेब कल नहीं आज हो गया। कॉलेब होता है, एक लिमिट होती है फैसल, लिमिट फिर मजा नहीं आता ना, आपको बता के कॉलेब करे मजा नहीं आता।
साइको संकी आप तरीके से बात करें, मैं तो मैं एक्टर हूँ, मेरा काम है। देखो कॉमेडियन हर एक्टिंग कर सकता है, ये हमारे निहाल टाइगर हमारी टीम के मेंबर, वो डायरेक्टर पीछे कैमरे के वो देखे, वो गिलास लगावा ना ब्लैक के, वो देखे वो पीछे। मैं अभी भी अपने सेंसेस में नहीं हूँ, ये कोई मजाक होता है? अच्छा माजरत के साथ, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया था मजाक भाई। ये डीजे सिद्धरा जब्बार है, बहुत अच्छा व्लॉग बनाती है, इनका लिंक हम देंगे। बहुत व्लॉग का है यार, प्रैंक का। अच्छा सॉरी माजरत के साथ, देखिए हमने कर लिया ना, अब आपको कल नहीं आना पड़ेगा, आपका काम आज ही होगी। आप कह रहे थे कि जितना जल्दी हो अच्छा। बात नहीं है, मुझे डर लग रहा था, मैं समझ रही वाकई आपको साइको केस है। अच्छा चले, आप ले निहाल पानी और चाय का बोल दे, चाय बिठ के आप बैठे बैठे दो में। ये रहे आपके मोबाइल, ये ले। तो वहाँ देखे कैमरे की तरफ देखे भाई, ये निहाल, ये निहाल तो बोल रहा हमारा बंदा, ये एक मिनट नॉर्मल हो जाए, कूल डाउन बिल्कुल, अब हो गई रिलैक्स सटे सब ठीक है। नहीं अब मैं लड़की हूँ, देखिए आप लोगों के लिए ये चीज नॉर्मल होगी, एक अकेले आना एक रूम में और आप जैसे साइको बंदा अगर किसी को मिल जाए। अरे भाई मैं साइको दिख रहा हूँ, आप मेरी हालत अभी भी नहीं समझ रहे। देखिए अब बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, अब आपको पता चल गया ना प्रैंक कर रहे थे, डायरेक्टर पीछे छुपे हुए वो देखे नजर आ गए आपको। ये देखे आपने कोलैब का कल का कहा था ना, कल परसों, आप जितनी जल्दी हमने आज कर लिया, आप खुद कह रही थी जल्दी। कैमरा जब मैं आई थी ना तो मैंने कैमरा देखे थे मेहरान के शूट पे, लेकिन नजर नहीं आ रहे थे, और ये वाला कैमरा तो बिल्कुल ही आपने छुपा दिया, मुझे तो समझ में नहीं आया था। मैं अब अपसेट है, देखिए आपके लिए कर दिया हमने, आप कह रही थी जितनी जल्दी हो अच्छा है, तो हमने इनके साथ आज ही कोलैब किया भाई। सिद्धरा जब्बार का हम लिंक डालेंगे, भी लोग बनाती है, बड़ा प्यारा काम कर रही है, तो न्यू टैलेंट है, तो ज़रूर प्रमोट कीजिएगा। तो जितने भी मेरे चाहने वाले हैं जो दूसरों को प्रमोट करते हैं, आपसे गुजारिश है इनके चैनल को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और ये हमारे निहाल इधर आ जाइए, हमारी टीम के मेम्बर है निहाल टाइगर, जी हाँ ये टाइगर हमारे साथ हमेशा नज़र आएगा। तो इनके चैनल को ज़रूर प्रमोट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे किसी बढ़िया वीडियो के साथ। तो हमारे चैनल के कुछ लोग कह रहे थे कि आपके चैनल पर आपकी वीडियोस में गालियों की शिकायत रहती है, तो आइंदा हम एडिट में ख्याल करेंगे कि हमारी वीडियोस फैमिली देख सके, क्योंकि कुछ फैमिलीज ने कहा था कि भाई गालियाँ हटा दे, गालियों की वजह से हम बच्चे और हम देख रहे होते हैं एक साथ अचानक गाली आ जाती है, तो आज के बाद उन गालियों को हमेशा के लिए बीप लगा देंगे या डिलीट कर देंगे। तो ज़रूर याद कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये निहाल आप इनको पहचान गए होंगे, ये रेंटा कार वाले जिनके साथ हमने लास्टिक वाला प्रैंक किया, तो हमने कहा था कि हमारी टीम में अक्सर नजर आएगा, क्योंकि हमें गाड़ी की जरूरत होती है, तो हमारे साथ अब अक्सर आपको वीडियोज में नजर आएगा। तो निहाल टाइगर के लिए भी बेस्ट विशेष की और दुआओं की दरख्वास्त है आप लोगों से, थोड़ा बीमार भी है, कल एक्सीडेंट करके भी आया बच्चा, तो अभी हमारे साथ ही नजर आएगा, तो जरूर प्रमोट कीजिए। नौकरी मेरे बस से बाहर होती जा रही थी, मैंने सोच लिया था अपना काम ही मेरी मंजिल है, जहां तरक्की के लिए सही को गलत और गलत को सही ना कहना पड़े। यही सोचकर मैंने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया था। मेरे दोस्त यार, हद तक मेरे घर वालों ने भी बहुत कुछ कहा। क्यों लगी लगाई छोड़ के बैठ गए? वो खानदानी बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं जो अपना बिजनेस चलाते हैं। ओ भाई, हम जैसे जॉब करने वालों की बस की बात नहीं है, बिजनेस करेंगे। अब उनको क्या बताता, काम छोटा बड़ा नहीं, काम अपना होता है। दिन रात इंटरनेट पर बिजनेस प्रपोजिशन सर्च करता रहा। एक दिन aroplan.pk का ऑनलाइन एड देखा। मुझे अपनी मंजिल सामने नजर आने लगी। फौरन उनके ऑफिस चला गया। जो उम्मीद बांधी थी aroplan.pk को उससे बढ़कर पाया। आज मेरी अपनी aroplan की शॉप है। इस aroplan से साफ शफाफ पानी घर घर पहुंचता है। कल तक जो लोग मुझे बातें सुनाते थे, आज मेरी तरक्की के गुण गाते हैं। यह है aroplan.pk के तेजी से फैलते कारोबार से जुड़े सैकड़ों अफराद में से एक फर्द की कामयाबी की कहानी, उनकी अपनी जबानी। कम सरमाया शफाफ कारोबार aroplan.pk से रब्ता कीजिए।